देख रहे हैं राखी न्यूज और मैं हूं आपका प्रतीक बना। खबर है विस्तार से। उपखंड क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को लेकर आज तहसीलदार को SDM के नाम दिया ज्ञापन। सवाई माधोपुर जिले के उपखंड बावनवास में आज मेन बाजार होली चौक पर फैली गंदगी एवं पंचायत समिति रोड पर फैली गंदगी को लेकर आज हिंदू सनातन मंच के सह संगठन मंत्री बुद्धि पंडित के नेतृत्व में व्यापारियों के साथ मिलकर आज तहसीलदार को SDM महोदय के नाम दिया ज्ञापन। बावनवास मुख्य बाजार में आज एक होली चौक पर मृत सुअर मरा पड़ा है। प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद भी उसको नहीं उठाया जा रहा है। गंदगी की बात की जाए तो बावनवास नगर पालिका क्षेत्र में हर गली हर मोहल्ले में गंदगी का आलम है। प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है। कई बार आंदोलन किए, कई बार हड़तालें की, ज्ञापन दिए, उसके बावजूद भी स्थायी समाधान आज तक नहीं हो पाया है। इसका जिम्मेदार कौन है? बावनवास में सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं विकास की, वो विकास कहाँ है? बिल्कुल भ्रष्टाचार चरम सीमा पर फैल चुका है। बावनवास नगर पालिका में बहुत बुरे हालात हैं, बदसर से बदसर हालत होते जा रहे हैं। अगर प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता है तो समस्त व्यापारी गणों ने आज एक डिसीजन लिया है कि अगर यह सफाई का स्थायी समाधान नहीं निकाला गया तो अनिश्चित काल के लिए बाजार बंद कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जय हिंद, जय भारत। क्या प्रकरण है? आंदोलन वगैरह भी किए? दो दिन के लिए सफाई व्यवस्था चालू होती है, वापस बंद कर दी जाती है। या तो सिस्टम में गड़बड़ है या फिर भ्रष्टाचार चल रहा है, क्योंकि टेंडर हो जाते हैं कि साहब सफाई का ठेका दे दिया साहब, उसके बावजूद वो पैसा कहाँ चला जाता है? दो दिन में वो पैसा लैप्स हो जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। दूसरी